आज के मुख्य समाचारों के साथ मैं प्रियंका मिश्रा। आज के मुख्य समाचार, अतिक्रमण हटाने आई टीम वापस लौटी, जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित, वुशु में आयुष ने रजत व स्मिता ने जीता कांस्य पदक, डिस्कॉम टीम पर हमले को लेकर मामला दर्ज, स्काउट गाइड शिविर में गुणों को किया विकसित, टेल तक पानी नहीं पहुंचने से हुई फसलें बर्बाद, आचार्य मासिक अभ्यास वर्ग बैठक संपन्न, समाजोपयोगी शिविर में दिया स्वच्छता का संदेश, मेघवाल आईटी सेल के जिला कोऑर्डिनेटर नियुक्त, एक ऐतिहासिक पहल बहुजन प्रतिभा समारोह कल, रेल विभाग के पीएमए को दी स्टेशन पर विदाई, अस्पताल में कार्मिकों का टोटा, मरीज उपचार से वंचित, बाल स्वास्थ्य शिविर में स्वास्थ्य की जांच, बालिकाएं करती पोषाहार कार्य, शिक्षक बेपरवाह, विधिक व संविधान सप्ताह के तहत दिया संदेश, सड़क मार्ग खराब होने से बड़ी परेशानियां। अब समाचार विस्तार से। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित, राजेश शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार जिला स्टेडियम प्रांगण में चल रही जिला स्तरीय दो दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के दौरान खो खो, कबड्डी, एथलेटिक्स, हॉकी, बैडमिंटन सहित कई खेलों का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी राज्य स्तर पर अपना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान खेल अधिकारी गोविंद परिहार, रतन सिंह मंडलावत, गणपत सिंह सहित कई खेल प्रेमी मौजूद थे। अतिक्रमण हटाने आई टीम वापस लौटी, राजेश शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार परिवादी द्वारा न्यायालय में दिए मामलों के अनुसार पिछले कई वर्षों से जालौर शहर के गौरव पथ पर मंदिर की आड़ में किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही हेतु न्यायालय के आदेश से पुलिस टीम एवं नगर परिषद टीम पहुंची, लेकिन परिवादी के मौके पर नहीं होने तथा मौका मजिस्ट्रेट के साथ नहीं होने से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को आगे के लिए तय कर दिया गया। आयुक्त ने रजत व स्मिता ने जीता कांस्य पदक। कन्हैयालाल मिश्रा की जानकारी के अनुसार कोलकाता में 25 से 30 नवंबर तक संपन्न हुई राष्ट्रीय सब जूनियर वुशु प्रतियोगिता में आयुष गुप्ता ने रजत व स्मिता चौधरी ने कांस्य पदक जीतकर जिले को गौरवान्वित किया। प्रतियोगिता में 20 किलो भार वर्ग में आयुष गुप्ता ने क्रमशः झारखंड, तमिलनाडु व मिजोरम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस दौरान फाइनल मुकाबले में उड़ीसा से हारकर रजत पदक प्राप्त किया। गौरतलब है कि आयुष ने गत वर्ष आयोजित इसी प्रतियोगिता में कांस्य पदक अर्जित किया था। जिला वुशु संघ के अध्यक्ष शिव दत्त आर्य ने बताया कि स्मिता चौधरी ने 56 किलो भार वर्ग में उत्तर प्रदेश व झारखंड को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया, जहां संघर्षपूर्ण मुकाबले में आसाम से हारकर कांस्य पदक अर्जित किया, जिसमें समस्त आर्य वीरों सहित खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है। डिस्कॉम टीम पर हमले को लेकर मामला दर्ज। सुरेश गर्ग रोहला की रिपोर्ट के अनुसार जालौर विजिलेंस डे के तहत बुधवार को रामसिंह क्षेत्र में अवैध कनेक्शन की सूचना पर कार्यवाही के लिए पहुंची डिस्कॉम की विजिलेंस टीम पर उपभोक्ताओं ने हमला किया एवं गाली गलौज दी। मौके पर मौजूद एरियन को तमाचे भी जड़े और हेल्पर को चोटें पहुंचाई। वहीं जान बचाकर भाग रही टीम के वाहन पर पत्थर भी बरसाए, जिसमें वाहन के शीशे भी टूट गए। ऐसे में अधिकारियों ने उपभोक्ताओं के खिलाफ राजकार्य में बाधा और मारपीट का मामला पुलिस में दर्ज करवाया है। डिस्कॉम एएन लालचंद वर्मा ने पुलिस में रिपोर्ट पेश कर बताया कि बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे डिस्कॉम की विजिलेंस टीम रामसीन के मुंथला कांबा गांव में भीमाराम पुत्र लुम्बाराम पुरोहित के बेरे पर सतर्कता जांच के लिए पहुंची। उस दौरान सतर्कता दल के सहायक अभियंता लालचंद वर्मा, पुष्पेंद्र, हेल्पर निम्बाराम मीणा, लक्ष्मीकांत वर्मा व संदीप टीम में शामिल थे, जहां जांच में रहवासी कुएं पर ट्रांसफार्मर में अंकुड़ियां लगाकर 3-3 HP एवं घर के कनेक्शन पर भी अंकुड़ियां लगाकर बिजली चोरी करना पाया गया। इसके बाद टीम ने केबल व मीटर जब्ती की कार्यवाही शुरू कर दी, तो इस पर जालौर में कार्यरत मुंथरा निवासी हेड कांस्टेबल मंगलाराम पुत्र भीमाराम पुरोहित व उसके भतीजे ने राजकीय कार्य में बाधा पहुंचाते हुए टीम के साथ मारपीट की। स्काउट गाइड शिविर में गुणों को किया विकसित। बागोड़ा से निर्मलदान राव की रिपोर्ट के अनुसार कालेठी के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में भारत स्काउट व गाइड जालौर के तत्वावधान में 2 दिवसीय कोमल पद प्रशिक्षण शिविर का समापन
कार्यवाहक पीईओ संजय बेनीवाल के मुख्य अतिथि संस्था प्रधान मोहनलाल देवासी की अध्यक्षता तथा जिला स्काउट ऑर्गेनाइजर सीताराम वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी राम नारायण बिश्नोई व समाज सेवी शंकर दान चरण के विशिष्ट आतिथ्य में हुआ। स्काउट जिला ऑर्गेनाइजर सीताराम वर्मा ने बताया कि शिविर में 50 स्काउट व 50 गाइडों को प्रशिक्षण दिया गया। शिविर के दौरान स्काउट रोवर्स ने विभिन्न प्रकार की कलात्मक गतिविधियों के माध्यम से बालक बालिकाओं में शिष्टाचार, समाज सेवा, परोपकार व अनुशासन जैसे गुणों को विकसित कर मर्यादित जीवन जीने की सीख दी। इस दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्काउट व गाइड को सम्मानित किया गया। खेत तक पानी नहीं पहुंचने से हुई फसलें बर्बाद। आसुराम बेनीवाल की रिपोर्ट के अनुसार चितलमाना उपखंड के सेसावा एक माइनर के अंतिम टेल तक पानी नहीं पहुंचने से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। किसानों ने रबी की फसलें बो दी लेकिन पानी के लाले पड़ रहे हैं। ऐसे में किसान केसरी मल चौधरी ने बताया कि बाराबंदी के बावजूद भी पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता है, इससे किसानों की फसलें चौपट हो रही हैं। वहीं ग्रामीण कृष्णाराम मेघवाल ने बताया कि 2-3 बार शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है, ऐसे में फसलों को नुकसान हो रहा है। आचार्य मासिक अभ्यास वर्ग बैठक सम्पन्न। रमजान खान की रिपोर्ट के अनुसार एकल अभियान अंचल भिन्नमाल के संघ भिन्नमाल की आचार्य मासिक बैठक किसान सेवा केंद्र सेवड़ी में संपन्न हुई। कार्यक्रम के दौरान अंचल प्रशिक्षण प्रमुख मेवाराम ने मासिक पाठ्यक्रम लिखवाया तथा इस माह हुए कार्य की समीक्षा की, जिसमें प्राथमिक शिक्षा प्रमुख अंबाराम व साधक प्रमुख हरकाराम व समस्त आचार्य मौजूद रहे। हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए जन समय न्यूज के साथ। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। ऐतिहासिक स्थलों की श्रम दान कर साफ सफाई की गई, जिसमें ऐतिहासिक बावड़े के आसपास उगी कटीली झाड़ियों को काटकर साफ सफाई की गई और बच्चों द्वारा स्कूल के मैदान व आसपास फैली गंदगी को साफ किया गया। इस मौके पर अध्यापक सोनू कुमार ने बताया कि साफ सफाई करने से गंदगी नहीं होगी और आसपास का वातावरण स्वच्छ रहेगा। पीटीआई नरेंद्र सिंह ने सफाई व समाज सेवा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए किए गए कार्य का अवलोकन किया। छात्र छात्राओं को शिक्षा के साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों व समाज सेवा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। मेघवाल आईटी सेल के जिला कोऑर्डिनेटर नियुक्त। सियाणा से ध्यानचंद दादालिया की रिपोर्ट के अनुसार आकोली गांव के निवासी रूपाराम मेघवाल को सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर व कांग्रेस पार्टी के प्रति आस्था, निष्ठा, ईमानदारी, लग्न एवं सक्रियता को देखते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस वर्कर कमेटी का राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक, उपाध्यक्ष हनुमान प्रसाद द्वारा जालौर जिला का आईटी सेल कोऑर्डिनेटर के पद पर मनोनीत किया गया। मेघवाल को कोऑर्डिनेटर बनाए जाने पर उनके मित्रों, समाज बंधुओं, उनके परिवार, कमेटी के पदाधिकारियों सहित पूरे जिले में खुशी की लहर छा गई एवं बधाइयां दी। एक ऐतिहासिक पहल, बहुजन प्रतिभा समारोह कल। बंसीलाल जयपाल की जानकारी के अनुसार बहुजन युवा टोन के तत्वावधान में 1 दिसंबर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिन्नमाल में ब्लॉक स्तरीय बहुजन प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें अतिथि बतौर त्रिकमा राम, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भिन्नमाल मोहनलाल परिहार, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जालौर तथा डॉक्टर रमेश देवासी, चिकित्सा अधिकारी राजकीय चिकित्सालय भिन्नमाल मौजूद रहेंगे।
बहुजन युवा टीम के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बंसीलाल जयपाल ने बताया कि सम्मान समारोह में एसटी एससी ओबीसी तथा अल्पसंख्यक की प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। रेल विभाग के पीएमए को दी स्टेशन पर विदाई। बारवाड़ा से मनोहर सिंह परमार की रिपोर्ट के अनुसार विशनगढ़ रेलवे स्टेशन पर आज दोपहर को स्टेशन पर पीएमए के पद कार्यरत नारायण सिंह परमार बारवाड़ा को अपनी 36 वर्षीय राजकीय सेवा देकर सेवानिवृत्त होने पर समारोह पूर्वक विदाई दी गई, जिसमें स्टेशन के समस्त स्टाफ और स्थानीय ग्रामीणों ने भी साफा व माला पहनाकर एवं गुलाल उड़ाकर ढोल धमाकों के साथ स्टेशन से विदा किया गया। समारोह में विशनगढ़ रेलवे स्टेशन अधीक्षक रसूल मोहम्मद ने बताया कि नारायण सिंह परमार अपनी 36 वर्ष की सेवा में काफी प्रभावशाली कार्य किए। वहीं उन्होंने वर्ष 2012 में अपनी सूझबूझ से एक रेल दुर्घटना को रोककर मिसाल पेश की। इस समारोह में विशनगढ़ ठाकुर लक्ष्मण सिंह, कल्याण सिंह परिहार, नारायण सिंह परिहार, भवर सिंह, मोर सिंह, डोंगर सिंह, भगवत सिंह सहित सैकड़ों लोग व स्टेशन स्टाफ मौजूद थे। अस्पताल में कार्मिकों का टोटा, मरीज उपचार से वंचित। बांकुड़ा से निर्मल दान राव की रिपोर्ट के अनुसार सरकार व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सरकारी चिकित्सालय में मरीजों को निःशुल्क दवाइयों व उपचार के नाम लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जब अस्पताल में कार्मिकों का अभाव हो तो सरकारी योजनाओं का फायदा मरीजों को मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही मामला बागोड़ा के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिला। गुरुवार को एक प्रसव पीड़िता की जिसकी डिलीवरी कराने में 1.5 घंटे तक कार्मिकों का इंतजार करना पड़ा। जब अस्पताल में चिकित्सक का पद रिक्त हो तो मरीजों की जांच कैसे हो सकती है। इस तरह से अस्पताल में कार्मिकों की कमी के चलते मरीजों को उपचार से वंचित रहना पड़ रहा है। बाल स्वास्थ्य शिविर में स्वास्थ्य की जांच। सियाणा से ध्यानचंद दादालिया की रिपोर्ट के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गजेंद्र सिंह देवल के निर्देशन व डॉक्टर भजना राम बिश्नोई के नेतृत्व में बाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 431 बच्चों का इलाज कैंप स्थल पर विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा डॉक्टर गजानंद शर्मा, डॉक्टर दीपक गोयल, डॉक्टर प्रदीप गुप्ता व नरेश चंदेल की टीम द्वारा किया गया, जिसमें से 10 बच्चों को उच्च इलाज के लिए जोधपुर हॉस्पिटल रेफर किया गया। इस कैंप में इलाज के लिए सबसे ज्यादा भीड़ आंखों व स्किन के बच्चों की नजर आई। जिन बच्चों के आंखों के नंबर पाए गए उनको मुफ्त में चश्मा दिया गया। इस दौरान जिला स्तर से अतिरिक्त जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर नंदू सिंह व हेमराज कुमार कैंप में मौजूद रहे। शिविर में आसपास के क्षेत्र के राजकीय विद्यालय के काफी बच्चों ने भाग लिया। बालिकाएं करती पोषाहार कार्य शिक्षक बेपरवाह। बागोड़ा से निर्मल दान राव की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में शुक्रवार को पढ़ाई करने की जगह बालिका दूध उबालने का कार्य करते पाए जाने का मामला सामने आया है। उपखंड मुख्यालय के जैसावास सड़क मार्ग पर स्थित राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रातः 11 बजे तक कुक कम हेल्पर व अन्य पोषाहार पकाने वाली महिलाएं उपस्थित नहीं होने से कक्षा 8 की 2 छात्राओं को पढ़ाई के बीच में छोड़कर स्कूली बच्चों के लिए दूध उबालते नजर आई। ऐसे में उक्त कार्य करते समय आगजनी जैसे कोई दुर्घटना भी हो सकती है, लेकिन स्कूल प्रशासन को ऐसा कोई अंदाजा नहीं है। विधिक व संविधान सप्ताह के तहत दिया संदेश। सुरेश गर्ग रोडला की रिपोर्ट के अनुसार आगोर क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़ा बालोतान, दयालपुरा एवं ज्योति पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय भद्राजुन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालौर के अध्यक्ष आरपी सोनी व सचिव नरेंद्र सिंह के आदेशानुसार संविधान सप्ताह के तहत विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वॉलंटियर रमेश कुमार वेदाना व देवाराम नीलकंठ ने विद्यार्थियों को भारत के संविधान के मूल कर्तव्य व अधिकारों की जानकारी दी एवं संविधान के आदर्शों, संस्था और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान कर्तव्यों व अधिकारों के बारे में बताया। वहीं विद्यार्थियों को संविधान के प्रति जागरूक रहने की शपथ दिलवाई एवं सामान्य कानूनों व लोक अदालत के कार्य, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, मृत्यु बोध, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी जानकारी दी। सड़क मार्ग खराब होने से बड़ी परेशानियां। राम सिंह से राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार निकट के फुकनी गांव जाने वाला ग्रेवल सड़क दोनों तरफ से बबूल की झाड़ियों से घिरे हुए होने के कारण राहगीरों को
आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण मगनलाल नामा ने बताया कि रामसीन से फुगड़ी जाने वाला 7 किलोमीटर मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन इस सड़क मार्ग का कार्य नहीं करवाया जा रहा है। वहीं रामसीन के विनोद कुमार वैष्णव का कहना है कि इस मार्ग की स्थिति सही नहीं होने से झाड़ियों से अधिक होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज शहर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय भारत, जय जागरण।